रियलमी का इस साल लॉन्च किया गया बेहद पॉपुलर स्मार्टफोन रियलमी 3 का एक नया कलर वेरिएंट डायमंड रेड कंपनी जल्दी कर सकती है लॉन्च। बता दें कि रियलमी 3 स्मार्टफोन 10,000 रुपए से कम वाले प्राइस सेगमेंट में मीडियाटेक हीलियो P70 प्रोसेसर और 4230 mAh बैटरी के कारण बेहद लोकप्रिय रहा है और कंपनी अब इसका न्यू कलर वेरियंट रियलमी 3 डायमंड रेड को लॉन्च कर सकती है। Xiaomi Mi CC सीरीज 2 जुलाई को चीन में आयोजित एक इवेंट के दौरान पेश करेगी, लेकिन उससे पहले इसके कई लीक निकल कर सामने आए हैं। हाल ही में इसके रिटेल बॉक्स इमेज लीक के बाद अब कंपनी ने इस सीरीज के स्मार्टफोन के एक कलर वेरिएंट को टीज किया है। इमेज में स्मार्टफोन के ब्लू कलर को देखा जा सकता है, साथ ही ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप का भी पता चलता है। Realme 3 Pro स्मार्टफोन के लिए कंपनी ने जारी किया न्यू अपडेट। 240 fps सुपर स्लो मोशन थीम स्टोर एंड्रॉइड जून सिक्योरिटी पेज के साथ Realme ने लॉक स्क्रीन मैगजीन फंक्शन स्वाइप जेस्चर ऐप मार्केट और गेम सेंटर भी अपडेट के साथ जोड़ा है। WhatsApp यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए नए नए फीचर लाता रहता है। कंपनी काफी समय से अपने प्लेटफॉर्म पर डार्क मोड को टेस्ट कर रही है और अब लेटेस्ट रिपोर्ट को अगर माना जाए तो WhatsApp एक नया फीचर टेस्ट कर रही है जिसमें यूजर्स अपने WhatsApp स्टेटस को सीधा वहीं से Facebook स्टोरी में शेयर कर सकते हैं। साथ ही यूजर्स अपने स्टेटस को सीधा Instagram, Gmail या Google फोटो जैसी एप्स में भी भेज सकते हैं। स्मार्टफोन मेकर Xiaomi भारत में Redmi K20 को पिछले कई दिनों से टीज कर रहा है। 15 जुलाई को होने वाले लॉन्च से पहले अब Redmi इंडिया ट्विटर अकाउंट ने इस डिवाइस में मिलने वाले Qualcomm Snapdragon 730 प्रोसेसर के साथ परफॉर्मेंस को टीज किया है। Redmi K20 Pro की दमदार परफॉर्मेंस दिखा रहे लेटेस्ट टीजर में कंपनी ने फोन में मिलने वाले Snapdragon 730 SoC का AnTuTu बेंचमार्क स्कोर हाईलाइट किया है। इसमें यह भी दावा किया गया है कि Snapdragon 730 चिपसेट Realme 3 Pro Nokia 8.1 में मिलने वाले Snapdragon 710 चिपसेट के मुकाबले 40% ज़्यादा तेज है। Redmi K20 को दूसरे डिवाइस Redmi K20 Pro के साथ कंपनी पिछले महीने चीन में लॉन्च कर चुकी है। Xiaomi भारत में 15 जुलाई को यह डिवाइस लॉन्च कर सकता है ऐसा माना जा रहा है। Realme ने हाल ही में चीन में Realme X को लॉन्च किया था और कंपनी ने अब इसके स्पेशल एडिशन स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की भी घोषणा की है। यह स्मार्टफोन चीन में 9 जुलाई को बिक्री के लिए आएगा। इससे पहले Realme इंडिया CEO माधव सेठ ने भी स्पाइडरमैन थीम्ड Realme X को अपने ट्विटर पर टीज किया था। हालांकि इस स्मार्टफोन को भारत में कब लॉन्च किया जाएगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई महीने में स्पाइडरमैन आने वाली मूवी के साथ ही यहाँ पे ये स्मार्टफोन भी लॉन्च हो सकता है। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi जल्दी अपने Redmi 7A स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च करने जा रही है। हाल ही में इससे जुड़ी रिपोर्ट के मुताबिक Xiaomi इस स्मार्टफोन को अगले महीने भारतीय मार्केट में लॉन्च कर सकता है। Redmi 7A Qualcomm Snapdragon 439 octa-core प्रोसेसर के साथ आता है। आपको बता दें कि कंपनी ने पहले इस फोन को चीनी मार्केट में लॉन्च कर दिया है और अब भारत की बारी है। Redmi 7A लॉन्च की घोषणा Xiaomi इंडिया के MD मनु कुमार जैन ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए की है। Xiaomi इंडिया हेड मनु कुमार जैन ने ट्विटर हैंडल पर Redmi 7A की लॉन्च की घोषणा के साथ ही Redmi A टाइटल वाले स्मार्टफोन से जुड़ा एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी शेयर किया है। मनु कुमार जैन ने बताया कि कंपनी Redmi 4A, 5A और Redmi 6A की कुल मिलाकर 23.6 मिलियन यूनिट बेची है, जो ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या से भी ज़्यादा है। सैमसंग के अपकमिंग डिवाइस गैलेक्सी A10s को लेकर काफी खबरें निकल कर आ रही है। सैमसंग गैलेक्सी A10s को कुछ दिनों पहले FCC सर्टिफिकेशन साइट पर स्पोर्ट किया गया था, जिसका मॉडल नंबर SM8107F था। वहीं अब इस फोन को वाईफाई सर्टिफिकेशन साइट पर देखा गया है। इसका मतलब गैलेक्सी A10s मॉडल ड्यूल सिम के साथ आएगा। अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार यह फोन कंपनी द्वारा ड्यूल रियर कैमरा के साथ लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही A10s के निचले पैनल पर USB पोर्ट के साथ 3.5mm जैक भी हो सकता है। FCC लिस्टिंग में बताया गया था कि A10s को 3900 mAh बैटरी के साथ लॉन्च किया जाएगा। भारतीय एयरटेल लंबे समय से इंडियन टेलीकॉम मार्केट में अपनी सेवाएं दे रही है। एयरटेल देश की पहली निजी टेलीकॉम कंपनी है जिसने इंडिया में 3G नेटवर्क की शुरुआत की थी, लेकिन अब एयरटेल ने अपनी 3G सर्विस को बंद करने की घोषणा कर दी है। एयरटेल ने घोषणा की कि कंपनी इंडिया में अपनी 3G सर्विस बंद करने वाली है। एयरटेल का कहना है कि 3G सर्विस हटाए जाने के साथ ही इसे 4G नेटवर्क पर शिफ्ट कर दिया जाएगा।